प्रशासन शहरों के संबंध में मीटिंग थी, और जहां ईडी की ये नगर निगम की जो समस्या आ रही है क्या पट्टे जारी करने में, सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी किए जाए, लोगों को रिलीफ दी जाए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 15 जुलाई से पट्टा वितरण कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर ने ज्यादा से ज्यादा पट्टे वितरण के निर्देश दिए, साथ ही 13 जुलाई को कच्ची बस्ती से संबंधित समस्याओं के बारे में मीटिंग आहूत की जाएगी। इस अवसर पर विभिन्न विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासन शहरों के संबंध में मीटिंग थी, और जहां ईडी की ये नगर निगम की जो समस्या आ रही है क्या पट्टे जारी करने में, सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी किए जाए, लोगों को रिलीफ दी जाए। सरकार ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, कहीं 75% से की छूट है, कहीं 90% तक की छूट। सरकार की मंशा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे देने के लिए ये मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि जो संबंधित जनप्रतिनिधि उनको बुलाया गया था, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे, और इस संबंध में चर्चा की गई कि जो समस्याएं आ रही है, जैसे चांदमारी भूमि में पट्टे किस तरह से, कब्रिस्तान की भूमि में पट्टे किस तरह से जारी किए जाए, उसके बारे में चर्चा की गई। जो शहर प्रशासनों की और दोबारा से जो कैंप लग रहे हैं, जो सीएम साहब ने बहुत सारी शिथिलताएँ दी है, सीएम साहब का मानना है कि हर गरीब का काम होना चाहिए, जो अधिकारी नहीं कर रहे थे उस पर भी बहुत थोड़ा सा कष्ट के कहा है सीएम साहब ने कि जो अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे, तो उस में पहले भी मीटिंग हुई थी, हमारे कलेक्टर साहब ने पहले भी मीटिंग ली थी, और अभी उसी मुद्दे पर मीटिंग हुई कि भाई पट्टे क्यों नहीं जारी हो रहे ज़्यादा से ज़्यादा, कच्ची बस्तियों के मसले हैं, कई ऐसे मसले हैं जिन पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें कईयों में अभी जो आज मीटिंग हुई है उससे तो लग रहा है कि पट्टों की कार्रवाई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर अभी एक बार 13 तारीख को कच्ची बस्तियों का मसला है, वो भी एक मीटिंग है, अभी सरकार की तरफ से भी है और सभी उसमें बुलाए जाएंगे महापौर इनको सबको, तो हम लोगों ने कच्ची बस्ती को नगर निगम को लेने के भी लिए कहा, तो कलेक्टर साहब ने कहा तो महापौर से भी बात करेंगे इस बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अजमेर शहर में पट्टे बांटे जाएँ, इस संबंध में जो भी अड़चन आ रही है उसमें सरकार शिथिलता दे रही है, तो इनको अधिकारियों को करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए कलेक्टर साहब ने सारे अधिकारियों को लेकर इस बात को मीटिंग करी है, और हमें विश्वास है कि जो हमारी सरकार करने जा रही है, जो हमारे सीएम साहब संवेदनशील सीएम साहब करना चाहते हैं, वो ये अधिकारियों से हम खींच के काम करवाएंगे, और अधिकारी भी हमारा सहयोग करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा दिलाने की कोशिश करेंगे। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।